स्मृति और विस्मृति, मेमोरी एंड पावर टू फॉरगेट, मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस, बोथ आर ब्लेसिंग। स्मृति और विस्मृति दोनों परमात्मा का वरदान है। अगर हम उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लें, जो भुला देने वाली चीजें हैं उनको अगर हम भुला दें और जो याद रखने वाली चीजें हैं उनको याद रखें, तो जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। पर होता क्या, होता क्या होता है इसका उल्टा, उल्टा होता है। जो भुला देने वाली चीजें हैं उनको तो हम कुरेद कुरेद कर याद करते हैं, याद रखते हैं, लेकिन जो याद रखने वाली चीजें हैं उनको हम भूल जाते हैं। छोटे छोटे उदाहरण से समझो, जीवन का कोई कटु अनुभव, किसी ने इंसल्ट किया, नहीं भूलते, वो तो याद रहती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। किसी ने अथाह प्रेम दिया, भूल जाते, क्योंकि उसको तो फॉर ग्रांटेड ले रहे। किसी ने, और छोटे से समझो, टीचर ने थप्पड़ मारा, याद रहेगा? टीचर ने थप्पड़ मारा तो ये तो याद है, अरे वो मैडम ने मुझे उस क्लास में थप्पड़ मारा था। कुछ को तो खैर इतने पढ़े होंगे कि उसको याद, इतने 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 कितने याद रखे हम, है ना? तो टीचर ने थप्पड़ मारा याद रहेगा, लेकिन किताब में क्या पढ़ा वो तो भूल गए। ये छोटा सा उदाहरण, बड़े में हमने बताया, किसी ने दुख दिया, कोई बीज मझधार छोड़ के चला गया, ये याद रहता है। किसी ने जीवन भर साथ निभाया, वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड हो गया। तो पहली चीज, जीवन के जो पांच क्लेश बताए गए ना, उसमें अविद्या सबसे बड़ा क्लेश है, नॉलेज का अभाव। नॉलेज वो नहीं होती जो हम किताबों में पढ़ते हैं, नॉलेज का अभाव यानी क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या है, क्या नहीं है, ये सब अविद्या में आता है। अब बात आती है कि गुरुजी, जो आपका प्रश्न था कि गुरुजी कुछ मेमोरीज को हम हमेशा के लिए भुला देना चाहते हैं पर वो नहीं भूलती, और हम आपको बताएं आप उन्हें कभी नहीं भूलोगे। अगर वो मेमोरीज ऐसी हैं कि आप भरसक प्रयास करने के बाद भी उन्हें नहीं भूल पा रहे, आप उन्हें नहीं भूलेंगे, आप उन्हें भूल ही नहीं पाएंगे। वो कुछ भी हो सकती है, वो किसी प्रिय के साथ व्यतीत कुछ पल हो सकते हैं, कुछ कटु अनुभव हो सकते हैं। जब हमें ये अवेयरनेस आ जाए कि हमें क्या याद रखना और क्या भुला देना है, तो हम फिर भी कॉन्शियसली जिसको भुलाना है उसको भुलाने का किसका प्रयास करते हैं, जिसको याद रखना है उसे याद रखने का। लेकिन यहां बात थोड़ी सी भिन्न है कि कुछ ऐसी मेमोरीज जो हम भूल ही नहीं पाते, तो क्या करें? तो भूलोगे तो देखो तुम उसे कभी नहीं, क्योंकि दो कारणों से वो तुम्हें याद है। एक, तुम उसे भूलना चाहते नहीं, तुम्हें उन पलों के बारे में, उन क्षणों के बारे में सोचने में आनंद की अनुभूति होती है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम चाहते ही नहीं उन्हें भूलना। जब मन खाली होता है तुम खुद उन क्षणों में पहुंच जाते हो, दुख भी होता है पर फिर भी याद करते। दूसरा, वो इतने कटु अनुभव थे कि तुम चाहकर भी नहीं भुला पा रहे, है ना? राइट? तो देखो दोनों स्थिति में तुम भूल तो नहीं पाओगे, नहीं भूल पाओगे अनटिल एंड अनलेस तुम्हें मेमोरी लॉस हो जाए, और भगवान ना करे किसी को भी, है ना? और तुम तो योग साधक हो, तुमको नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, हमें अपने मन को प्रोडक्टिव चीजों में लगाना है। ये जो विचार आते हैं तब आते हैं जब आप खाली होते हो, व्हेन यू आर फ्री, व्हेन योर माइंड इज फ्री। तो हमें उस विचार को जितना हटाने की कोशिश करोगे वो लौट लौट के आएगा। पहले हमें अपने मन को कुछ नए विचार देने होंगे, कुछ प्रोडक्टिव विचार, विच मीन्स कीप योरसेल्फ बिजी, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, create some new memories, create some new beautiful moments,
तो मन उन मेमोरी से थोड़ा बाहर आएगा। दूसरी चीज, धीरे धीरे मन को ट्रेन करना होगा, अपने मन से मित्रता करनी होगी, अपने मन को बताना होगा कि उसे क्या सोचना है और क्या नहीं, उसे क्या याद रखना है और क्या नहीं। एंड इट्स नॉट टफ एट ऑल। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो गए ना? कैसे खड़े हुए? आदत, क्योंकि आपने बॉडी को, आपकी बॉडी को पता था, गुरुजी ने कहा खड़े हो जाओ, हम खड़े हो गए, क्योंकि मेरे शरीर को पता था कि खड़े हो जाने का मतलब है वी हैव टू स्टैंड। ये ट्रेनिंग हमने अपनी बॉडी को दी है, राइट? खुश हो जाओ जरा, अब कोई सैड है उसको हम कहें खुश हो जाओ तुरंत, या कोई बहुत खुश है उसको कहें चलो सैड हो जाओ, क्या वो हो पाएगा? क्योंकि जो ट्रेनिंग बॉडी को मिली वो माइंड को मिली ही नहीं। उस बॉडी की जो ट्रेनिंग है वैसी बॉडी की वही ट्रेनिंग हमें माइंड को देनी है। जैसे शरीर को पता था ना खड़े हो जाओ, ऐसे मन को पता होना चाहिए कि अब मुझे ये नहीं सोचना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये नहीं करना है। सो योर माइंड हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। वो आता है साधना से, वो आता है कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। सो स्टेप वन, गिव योर माइंड सम अदर न्यू थॉट्स, गिव इट सम टास्क टू थिंक अबाउट इट, कुछ प्रोडक्टिव दो जिसमें वो ऑक्यूपाइड रहे। दूसरी चीज, धीरे धीरे माइंड को ट्रेन करो रेगुलर योगाभ्यास से, रेगुलर ध्यान की साधना से, कि अब मुझे संयमित रहना है, संतुलित रहना है। भूलोगे तो नहीं तुम, बट उसे नियंत्रित करना सीख लो। सो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में, वरना तो जिंदगी भर उसके जाने का गम और उसके आने की खुशी और उसके जाने का गम और उसके आने की खुशी में ही उलझे रहोगे। और ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। जीवन इससे बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत।